अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल मनान, मेरे साथ है हमाद सुबानी, आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो का रिएक्शन लेके आए जो कि हमें सजेस्ट किया है सिद्धार्था सुमित्रा ने, और जो वीडियो उन्होंने सजेस्ट किया उसका नाम है पीएम मोदी मीट्स द फिल्म फ्रेटर्निटी टू सेलिब्रेट बापूज 150th बर्थ एनिवर्सरी। और वीडियो पे चलने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये वीडियो जी गांधी जी के बारे में और उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी जिसको सेलिब्रेट किया पीएम मोदी जी ने और जो फिल्म फ्रेटर्निटी है जिसमें सलमान खान, आमिर खान वगैरह भी होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं सारे, कहां से आने शुरू हुए? शाहरुख खान, ये क्या नाम है इनका, नाम भूल गया। गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, नेत्र सबके पास होते हैं, नज़र सबके पास नहीं होती। हम सबके पास नेत्र है लेकिन दृष्टि देने का काम, नज़र देने का काम आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है, आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, एक उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया। पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो मिलके आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, अच्छा लगता है सबको। ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं। जो राम का उद्देश्य था वही मोदी जी का उद्देश्य है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। मतलब क्या है बंदे से दादम, जो भी है ये बंदे माता। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे, अभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग जिन्होंने साधना की है, हमारे छन्नूलाल जी जैसे गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। वुमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और ये बात जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे, प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज व्हाट गांधी जी 2.0 रोबोट 2.0 मिले थे तो हमें लगता था कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेशन बिल्डिंग भी हमारे थ्रू हो सकता है,
ये आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये फिल्म हमने सोची तो मैंने जिस को फ़ोन किया इमीडिएटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया चेंज करें। सारे के सारे लोग एक ही दिन आ गए और हमने बड़ी जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खूबसूरत सपोर्ट मिला और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किस्म की आने वाले दिनों में कई फिल्में पूरी मूवी बनाई है। रोबोट पैदा नहीं करनी है, हमें इंसान पैदा करना है और इंसान पैदा करने के जो सबसे सरल रास्ते हैं उसमें आपकी दुनिया करके इंसान को बाहर निकालती है। We all are motivated by it. और इसका असर दिखेगा आपको एक साल डेढ़ साल बाद में। रघुपति राघव राजा राम एक नागरिक के वास्ते आई शुड बी वेरी कॉन्शियस वेदर आई एम डूइंग थिंग्स प्रॉपरली आर नॉट अनलेस द पॉपुलेशन द पीपल कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट नथिंग विल हैपन। गांधी जी के जो विचार हैं वो जितने उस वक्त रेलेवेंट थे उस वक्त उतने ही आज भी रेलेवेंट हैं और उतने ही आगे चल के भी रेलेवेंट रहेंगे। ग्लासेस लगी हैं पठान को फिर से लेना है सेल्फी टाइम। यार ये भी सिंगर हैं मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये फॉलो वाले हैं बच्चे को पहले तो भी यही दिखाते थे आता था बड़ा कपिल को मैंने बोल सकता आप ही के लिए है भाई कपिल ने ज्यादा फरमाइश दी तो यहाँ लड़कियों वहाँ पे सेल्फी ना खींचे ये हो नहीं सकता। और क्या हाल है भाई ये अच्छी बात है ये दोनों आमिर खान और सलमान खान और सॉरी शाहरुख खान आपस में इकट्ठा एक मिल रहे हैं। सलमान खान भी है यहाँ महीने में मुझे दो फिल्म बाकी मुझे अक्षय को भी आना चाहिए अक्षय को लाजमी आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सुना तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनरेशन गैप है हमारे बीच इतना ज्यादा फर्क है एज का वो समय के साथ चलते हैं। ये विश्वास पैदा करने वाले ये दृष्टि दिखाने वाले ये राह बताने वाले मेरे ख्याल से पहली बार हमने इस देश में ऐसा नेतृत्व देखा है। I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With a strong belief in your purpose, even an insignificant being can change the course of history. I'm ready to die, but there is no purpose for which I'm ready to kill. You are a product of your thoughts. What you think is what you become. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. A few drops in the ocean are dirty. The ocean does not become dirty. Vande Mataram, Vande Mataram.
It's the 150th birth anniversary of the Mahatma. Let's keep his thoughts alive. Raju Kumar Film change Production. Within. Change Within. Hashtag Change Within. एक ज़बरदस्त उन्होंने गैदरिंग की इस पर जो 150th जो बर्थडे गुजरा है मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम रखा था ये मोहनदास करमचंद गांधी करमचंद गांधी करमचंद गांधी वो इनका फुल नेम है तो उसके 150th बर्थडे पे एक ज़बरदस्त उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसका मेरे ख्याल से बॉलीवुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा यार देखें आम आवाम तक सबसे ज़्यादा बात किसकी जाती है स्टार्स की फिल्म स्टार्स की क्योंकि मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं अट्रैक्ट करती हैं और ये बेस्ट तरीका है कि जो उनकी जो सेशंस थी जो उनकी बातें थी गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उनकी वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लिया बिल्कुल अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी बात है हर कोई देखता है हर पूरी दुनिया में देखी जाती है और जिस तरह से मशहूर जो फिल्म स्टार है शाहरुख खान है आमिर खान है अक्षय हैं बड़े सलमान खान है कॉमेडियन कपिल शर्मा हैं बड़े तो उनके थ्रू जब ये बात जाएगी लोगों में तो एक तो बहुत ज्यादा फैलेगी बिल्कुल और डेफिनेटली वो उस पर एक्ट अपॉन भी करेंगे बिल्कुल और ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं लिया गया ऐसा इनिशिएटिव हाँ ये फर्स्ट टाइम हुआ क्योंकि वो भी जैसे कह रहे थे कि बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया तो शायद मेरे ख्याल से प्रॉबली पहली दफ़ा ये हुआ है कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि जो उनकी थॉट्स उनकी थिंकिंग उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो एक दफ़ा आवाम को फिर बताई जाए क्योंकि अक्सर होता है कि ना वो जैसे भूल जाते हैं ख़त्म हो जाता है बातें याद नहीं रहती बिल्कुल तो उसको याद करने के लिए उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया और शायद आने वाली जो बॉलीवुड की मूवीज़ होंगी वो इस आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेंगी और जो फ्यूचर की जनरेशन होगी उनको बताएंगी क्या ना उनके जो लीडर थे तो वो क्या क्या कहते थे क्या सोच थी उनकी और ये सारी चीज़ें इसको आगे लेके और ये चीज़ होनी भी चाहिए हाँ होनी बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है जो फाउंडर है उसकी थॉट्स उसकी थिंकिंग जो है तो वो उसको लेकर आगे चलना चाहिए और ये ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने अब यहाँ पे बहुत सारे स्टार थे और बहुत सारे स्टार नहीं थे बिल्कुल वो होने चाहिए थे मेरे ख्याल में कि अब वो क्यों नहीं थे ये हमें नहीं पता उनको बुलाया नहीं गया बुलाया तो वो टाइम नहीं निकाल पाए अगर टाइम नहीं निकाल पाए तो मेरे ख्याल में तो ये एक किस्म की गलत बात है कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था उसमें होना चाहिए था बिल्कुल अमिताभ बच्चन को होना चाहिए था उनके बेटे को होना चाहिए था मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था अक्षय नहीं आएगा यहाँ पे अक्षय कुमार बिल्कुल अक्षय जिस तरह का बंदा है टाइम का पाबंद है पंक्चुअल है उसको यहाँ पे इस इनिशिएटिव में लाजमी होना चाहिए उससे पहले जो वो उनके एक मूवमेंट चली थी स्वच्छता उसमें अक्षय ने पार्ट लिया था बिल्कुल वो भी याद अच्छी तरह उसमें रिएक्ट भी किया था हमने तो इसमें भी चले खैर क्या पता नेक्स्ट उसमें कोई हो क्या ना कि उनको मैसेज पहुंच गया वो कहें जी हम इसको आगे प्रमोट कर देंगे क्या पता उन्होंने ये कह दिया अब ये हमें नहीं पता कि क्या वजह बनी एक्शन नहीं अगर आते तो बहुत अच्छा लगता था अच्छा लगता है बिल्कुल जी तबीयत मेरी हमारी तबीयत सही नहीं है आजकल स्टिल स्वेटिंग कोई बात नहीं स्वेटिंग हो रही है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा इसको शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक लाजमी दीजिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ये मेरे ख्याल में बात रिपीट हो गई है चलो कुछ नहीं होता आप तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़